सो चलो फाइनली हम लोग एक नंबर पोजीशन पे आ ही गए राइट। मिडल ऑफ द वीक कुछ मैचेस हुए, ला लीगा का दो मैच हुआ है, बार्सा का मैच हुआ है, रियल मैड्रिड का मैच हुआ है कल एंड कल ब्राइटन का भी एक मैच हुआ है, तो दो तीन मैच के ऊपर बातचीत करेंगे। मैंने बार्सा का रिव्यू नहीं दिया तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक दो मिनट बात कर लेते। बार्सा ने 3-2 से मैच जीत लिया था अपने होम पे था अल्मेरिया के साथ एंड काफ़ी घिस पिट के बहुत ही लड़ाई झगड़ा करके लास्ट में गोल दी सर्जियो रॉबर्टो उनका जो कैप्टन है उनका गोल लेके बार्सिलोना जीत गया। बार्सिलोना का कंसर्न धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ रहा है एंड थोड़ा जाबी के ऊपर बातचीत नहीं करना है, मतलब क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए क्योंकि 3 पॉइंट्स ले चुका है जाबी। लेकिन एक चीज़ है कि वाल्डे के ऊपर जाबी का क्या सुपरस्टिशन है या क्या अट्रैक्शन है, वो जो एरिक टेन हैग का जो अट्रैक्शन है एंटनी के ऊपर, वही मुझे लगता है कि वो सेम अट्रैक्शन वाल्डे के ऊपर जाबी का है। अब वाल्डे को अगर आप खिलाते हो, जाओ कंसल और वाल्डे दो फुल बैकअप खिलाते हो तो आप जानते हो कि भाई आपको गोल पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ है, अल्मेरिया बैठा हुआ है 20th पोजीशन पे और वो लोग गारंटी रेलीगेट होंगे और बार्सा को जो स्टेडियम में जो फैंस थे वो चैंट कर रहे थे कि अल्मेरिया सेकेंड डिवीजन खेलेगा, अल्मेरिया आपका क्या बोलते हैं रेलीगेट हो जाएगा। तो आप देखो बार्सिलोना का एक मेंटेलिटी का क्या चीज़ है, आपके उनके फैंस अगर अल्मेरिया को बू करेंगे, अल्मेरिया जो सेकेंड डिवीजन खेलने वाला है उनको अगर हरा के आप इतना खुशी ले रहे हो तो भाई आपका क्लब का डायरेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, आपका मेंटेलिटी का कुछ प्रॉब्लम है। आपका कंपटीशन अल्मेरिया या छोटे मोटे क्लब नहीं, आपका कंपटीशन है रियल मैड्रिड, आपका कंपटीशन है एथलेटिको मैड्रिड, आपका कंपटीशन है आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, तो अब देख ही लो। चलो फाइन, तो ये आपका कंपटीशन है। थोड़ा बहुत मेंटेलिटी के ऊपर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे फैंस तो इंडिया में है या एशिया में, हम तो अलग फ़ैन है, हम तो बार्सा में जाके या हमारा तो क्लब में जो फिजिकली तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो जिनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है वो जो टिकट खरीद के मैच देखने जाते उनका मेंटेलिटी के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए कि आप 20th पोजीशन पे बैठे हुए एक टीम को क्या बुली कर रहे हो। ऐसा ही है 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ अभी, उसमें क्या पाकिस्तान वाले एक मैच में नीदरलैंड को बुली कर रहे थे। अब आप नीदरलैंड के प्लेयर को गाली वाली दोगे तो आपका औकात वहाँ भी पता चल जाता है कि आप यहाँ पे मैच या वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं आए। नीदरलैंड से कौन मारपीट करता है भाई। उसी तरीके से अगर मेंटेलिटी आपको दिखाना तो बड़े क्लब के साथ दिखाओ, तो ये थोड़ा बहुत एक मेंटेलिटी का प्रॉब्लम मैंने देखा राइट। एंड दूसरा चीज़ है वाल्डे, तीसरा चीज़ है देखो सर्जियो रॉबर्टो को अगर आपका सेवियर बनाना बनना पड़ रहा है। अब देखो सर्जियो रॉबर्टो कमबैक करवाया था पीएसजी में, वो बहुत पुराना बात है, लेकिन इस टाइम पे अगर सर्जियो रॉबर्टो आपका सेवियर है तो भाई आपके क्लब में प्रॉब्लम है भाई। और मैंने मैच देखा है, मैंने रिव्यू नहीं बनाया था लेकिन मैच मैंने पूरा देखा था। बट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उस मैच में, दैट इज़ रॉबर्ट लेवांडोव्स्की अगेन, उसको जितना सारे चांसेस मिले ना उतना सारे चांसेस में मुझे लगता है कि हालैंड कम से कम 8 से 9 गोल दे देता, ठीक है ना, जितने सारे फुल चांस और हाफ चांस मिले। बंदे का मेंटेलिटी और कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, अब देखना पड़ेगा। 10 से 12 दिन का क्रिसमस ब्रेक आ गया, अब 12 दिन का छुट्टी लेके अगर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की एक फ्रेश माइंड लेके अगले साल स्टार्ट करे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कंसर्निंग पीरियड बहुत बढ़ते हुए। बार्सा का एक न्यू साइनिंग है विक्टर रोक, वो आएगा एंड कहने कि सब लोग कहने के एक्सपेक्ट करते हुए कि वो बंदा आके हिला देगा। देखो 18 से 19 साल का बंदा है शायद, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली है, तो 20 एज का नीचे ही होगा। अब 19 साल के एक बंदे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो हालत वो आंसू फाती हालत वो पेड्री जैसा होगा। देखो पेड्री का भी इंजरी पे इंजरी रिकॉर्ड आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक दो ग्लिम्सेस अगर आप दिखते हो तो भैया ये हमारा नेक्स्ट मेसी है, ये हमारा नेक्स्ट इनिएस्ता है भाई, पैदा हुआ है, न्यू प्लेयर आया है, सांस लेने तो दो, दो तीन मैच खेलने तो दो। अगर आप ऐसे यंगस्टर को ऊपर प्रेशर बनाओगे तो हर एक यंगस्टर आगे जाके फेड अप हो जाएगा राइट। अगर आप उसको चांस दोगे, एक दो साल देखोगे तो आराम से आप प्लेयर डेवलप कर सकते हो, क्योंकि बार्सा क्लब इस चीज़ के ऊपर जाना जाता है कि वो छोटे छोटे प्लेयर को डेवलप करते हैं, वो बड़े साइनिंग ज़्यादा बड़े बड़े साइनिंग नहीं करते लाइक रियल मैड्रिड, वो छोटे प्लेयर को पॉलिश करते हैं, लेकिन वो टाइम भी आपको देना पड़ेगा राइट। बट बार्सा का जो स्ट्रगल है अभी तक कंटिन्यू करते हुए अब 4th पोजीशन पे बार्सा अभी, एंड आने वाले मैच में देखना पड़ेगा आफ्टर क्रिसमस ब्रेक जाबी और बार्सा कैसे कमबैक करता है राइट। अब आते हैं कल के मैच के ऊपर। कल के मैच में भाई फाइनली जिरोना ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया, बाप रे बाप, गले से काटा उतर ही नहीं रहा था, कल उतरा। लेकिन जिरोना ने बहुत अच्छा फुटबॉल दिखाया कल, रियल बेटिस के साथ मैच था, रियल बेटिस के होम ग्राउंड में ना रियल बेटिस को हराना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 8 से 9 मैच में रियल बेटिस शायद 4 या 5 गोल कंसीड किया है उनके होम पे। और आपको शायद याद है कि रियल मैड्रिड भी रियल बेटिस से ड्रॉ करते हुए आया था, वो भी जीत
नहीं पाए तो रियल बेटिस को उनके होम पे हराना बहुत ही आसान एकदम ही नहीं है। तो कल थोड़ा अप एंड डाउन मैच था जिरोना के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बने लेकिन जिरोना के पास चांसेस था एंड उन लोगों ने कहने की गोल स्कोर भी कर दिया था। लेकिन हमारे 86 मिनट में उनका जो एक प्लेयर है पजेला बोल के, भगवान शुक्रिया मतलब उसको कोटि कोटि प्रणाम, वो बंदे ने एक बैंगर मार के इक्वलाइज कर दिया स्कोर और जिरोना फाइनली 2 पॉइंट्स वहाँ पे रियल बेटिस पे छोड़ के आ गया। और उसका डायरेक्ट फायदा हुआ किसको, रियल दे माद्रिद को, क्योंकि अगला मैच हमारा कल रियल माद्रिद का था, हमारा डिपोर्टो अल्वेज के साथ मैच था, वो भी मैच की मैं बात करूंगा। लेकिन फाइनली बता देता हूँ कि अभी माद्रिद एक नंबर पोजीशन पे आ गए और रियल बेटिस अभी सेकंड पोजीशन में, रियल बेटिस सॉरी आपका जिरोना भी सेकंड पोजीशन में, लेकिन पॉइंट सेम ही है 18 मैच पे 45 पॉइंट्स में सेम ही है, हम सिर्फ गोल डिफरेंस से आगे। ठीक है, चलो फिर अभी बात करते सेकंड मैच के ऊपर, दैट इज डिपोर्टो वर्सेस रियल माद्रिद। राइट, अब इस मैच की अगर मैं बात करूँ एज अ न्यूट्रल फैन, बहुत न्यूट्रलाइज मैच था, बहुत बोरिंग मैच था, लेकिन क्योंकि उतना इंटेंसिटी नहीं दिख रहा था, अब दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखो पिछले 20 दिन में ये 6th मैच है रियल मैड्रिड का, मतलब अगले तीन हर एक तीन दिन में आप एक मैच खेल रहे हो और हमारे पास स्क्वाड डेप्थ इतना नहीं है, मतलब एक ही प्लेयर को हम बार बार खिला रहे, ज़्यादा रोटेशन नहीं हो रहा है, सेंटर बैक रूडीगर ज़्यादा खेल रहा है, टोनी क्रूज बोलो, लुका मॉड्रिच बोलो, जूड बोलिंगम बोलो, बैक टू बैक मैचेस खेलते हुए, क्योंकि उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है तो फटीग आएगा, एक एनर्जी लॉस तो आएगा, एट द एंड ऑफ द डे बोलो तो रोबोट तो नहीं है, मैकेनिक्स तो नहीं है, राइट, वो इंसान है। तो कहने कि कल इंटेंसिटी थोड़ा कम दिखा फर्स्ट हाफ में एंड चांसेस ज़्यादा क्रिएट नहीं हुए, एक दो हाफ चांसेस क्रिएट हुए थे, ज़्यादा कुछ क्रिएट हो भी नहीं रहा था। हमारे मिडफील्ड में कल था वेलवार्दे और टोनी क्रूज, होल्डिंग मिडफील्डर रहा था वेलवार्दे और टोनी क्रूज, और हमारे दो और भी मिडफील्डर थे 4-2-2 के फॉर्मेशन से खिलाया कल, कल बीच के जो दो मिडफील्डर जूड बेलिंघम लुका मॉड्रिच थे, ऊपर के नंबर 9 के एरिया में रोड्रिगो एंड ब्राहिम दियास थे, रोड्रिगो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपरेट कर रहा था, ब्राहिम दियास राइट हैंड साइड पर ऑपरेट कर रहा था, आउट एंड आउट नंबर रन हमारे पास नहीं था। ठीक है, ऐसा गेम चल रहा था 45 मिनट्स में, उतना इंटेंशन नहीं दिखा लेकिन गोल भी कंसीड नहीं किया और मुझे लगा था आफ्टर 45 मिनट्स कहने के इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगा एंड गोल स्कोर हम लोग कर लेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया, हमारे गुरुजी हमारे भाई साहब नैचो फर्नांडिस एक हर्ष टैकल के लिए जाते, टैकल उतना उसका इंटेंशन उतना बुरा नहीं था, एक टैकल के लिए जाते लेकिन उसका उनका जो फुट था वो स्टैप हो जाता है और उनको येलो कार्ड मिलता है, लेकिन भार चेक करके उनको डायरेक्ट रेड कार्ड दिया जाता है और कहने के वन मैन डाउन हो जाते हैं रियल मैड्रिड 54 या 55 मिनट्स में। तो अभी भी कम से कम 40% गेम था एंड कहने के वहाँ से रियल मैड्रिड थोड़ा बैक फुट पर चले जाते हैं, लुका मॉड्रिच को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, चुआमिनी उतरता है एज अ सेंटर बैक या डिफेंसिव एरिया में एक्टिवेट होने के लिए, वहाँ पे कहने के हम लोग मिडफील्ड में थोड़ा आउट नंबर होते हैं और क्रिएटिविटी थोड़ा कम होता है, आप जान ही रहे हो ऐसा, अगर आप अवे टर्फ में जाके आप एक डिफेंसिव एक ऐसा टीम है जो डिफेंसिव एरिया में स्ट्रांग है, मतलब डिफेंसिव लो ब्लॉक खेलता है, तो कहने की उस जगह पे जाके आप क्रिएटिव एक प्लेयर को और भी कम कर रहे हो, मतलब कहने की गोल स्कोर करने का एक पॉसिबिलिटी और भी कम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि उसी मैच वीक में आपका जो मेन ओपोनेंट है जिरोना उसने पॉइंट्स ड्रॉप किया है, तो आपके अंदर एक प्रेशर है कि भाई इसको तो हम लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा और आप 54 मिनट 10 मिनट डाउन हो, तो कहने के एक प्रेशर था एंड चांसेस नहीं बन रहे थे, कोशिश हो रहा था, एक चांस बना था टोनी क्रूज का, एक पास आता है बहुत बढ़िया पास आता है रोड्रिगो को, रोड्रिगो कट बैक करके एक शॉट लेता है लेकिन वो गोल नहीं होता, इस तरीके से 90 मिनट हो जाता है, हमें लगता है कि भाई गया चांस हाथ से, मैच ड्रॉ हो जाएगा, फिर से एक मौका निकल जाएगा कि जिरोना के पहले उसको ओवरकम करने का एक मौका फिर से निकल जाएगा। फिर आता है 90+2 मिनट में हमको एक कॉर्नर मिलता है और कॉर्नर में जाते हैं टोनी क्रूज भैया एंड टोनी क्रूज भैया का पिन पॉइंट एक क्रॉस आता है और डायरेक्ट आता है लुकास वास्केस पे सिर पे और उनका एक सेकंड के लिए डिपोर्टो का जो डिफेंस है वो थोड़े सेकंड के लिए थोड़ा स्विच ऑफ होते और इसका भरपूर फायदा मिलता है, बहुत ही बढ़िया हेडर एंड शानदार गोल 90+2 मिनट पे इंजरी टाइम में हम लोग मैच जीत जाते और जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हम लोग पा लेते और नाउ रियल मैड्रिड ऑन द टॉप ऑफ लालीगा टेबल एंड क्रिसमस ब्रेक से पहले ये पॉजिटिविटी चाहिए था क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है और क्रिसमस ब्रेक के बाद बहुत सारे प्लेयर्स चले आएंगे कि आपका विनीशियस आ जाएगा। लेकिन एक और भी नेगेटिव पॉइंट है, कल रॉड्री को पीछे चला गया इंजरी होकर, अब देखना पड़ेगा उसका इंजरी का रिपोर्ट क्या है, अलावा गया पिछले 2 मैच में हम लोगों को 2 ब्लो लगा फिर से, एक अलावा गया कल, अब रॉड्री को गया, क्योंकि मेन जो देखो मेन चीज़ क्या है ना,
हमारे पास ज़्यादा गोल्स ऑप्शन नहीं है। एक रॉड्री को गोल देता है, एक आपका जूट बेलिंगम गोल देता है मेन स्कोरर, उसके बाद एक दो स्कोरर हो जाते हैं। अब रॉड्री को एक मेन स्कोरर चला गया, हमारे पास कहने का एक प्लान था कि विनीसियस आएगा तो विनीसियस और रॉड्री को का एक कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब रॉड्री को भी चला गया, अब वहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग चीज़ है, अब देखना पड़ेगा कि इंजरी सीरियस है कि सीरियस नहीं है। 12-13 दिन हमें रेस्ट मिलेगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि 12-13 दिन कोई अभी गेम नहीं है, डायरेक्ट 3rd और 4th January में गेम है, अगले साल गेम है। तो ये चीज़ है, कल का मैच का अगर रिव्यू बोलूँ टेक्निकल वाइज उतना चीज़ नहीं था, एंड कहने के टैक्टिक्स वाइज ऐसा कुछ मैच नहीं था, मैच फंसा हुआ था। और इसी ऐसे मैच में ना कैरेक्टर या आपके अंदर जो वो मेंटेलिटी वो मैटर करता है, राइट। जिस मैच में बहुत मैच में जो मैच फंसता है वहाँ पे आपका जो मेन गोल स्कोरर है कि हमारा गोल स्कोरर कौन है, रॉड्री को जूट बेलिंगम, उनसे गोल नहीं आ रहा है तो वहां पे कौन स्टेप अप करेगा। तो कल स्टेप अप किया, लास्ट में फाइनल में स्टेप अप हुआ मद्रिद का, एंड दैट शोज द मेंटेलिटी, एंड दैट शोज दैट कि कहने के हम लोग ये नंबर वन स्पॉट हम लोग डिजर्व भी करते हैं। और भी थोड़ा लीड लेना पड़ेगा आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि कहने की बार्सा के बहुत सारे प्लेयर्स बैक आएगा, वो भी फॉर्म में आएंगे, एंड कहने की एथलेटिको मद्रिद का भी एक मोमेंटम आ सकता है। और कहने की हमारे पास उतने सारे प्लेयर्स नहीं है, लास्ट में जाके क्रम्बलनेस आ सकता है मद्रिद का, इसलिए कहने की एक पॉइंट्स का जो डिफरेंस वो क्रिएट करना चाहिए अभी आने वाले एक महीने के अंदर। और एक भी और चीज़ है, जनवरी महीने में बहुत सारा मैचेस होगा, राइट, वहाँ पे कहने की इंजरी रिपोर्ट और भी बढ़ सकता है मद्रिद का, तो अब देखना पड़ेगा कि विंटर विंडो में कुछ ले आता है कि नहीं। हमारा आंसर दी चाचा, एक सेंटर बैक तो मिनिमम चाहिए भाई, एक सेंटर बैक और एक सेंटर फॉरवर्ड, पता नहीं सेंटर फॉरवर्ड पता नहीं चाहिए कि नहीं अभी लाएगा कि नहीं, लेकिन एक सेंटर बैक तो गारंटी चाहिए। अब नैचो भी रेड कार्ड पे, मतलब अगला 2 मैच सस्पेंड होगा, अभी रूडीगर और चुआमिनी सेंटर बैक खेलेगा तो भाई कौन बचाएगा हमको। तो देखना पड़ेगा, प्लेयर्स चाहिए बहुत क्राइसिस में, लेकिन काबिले तारीफ इस क्राइसिस में भी लालीगा में टॉप में फिनिश करवाते हुए क्रिसमस ब्रेक से पहले, राइट। देखना पड़ेगा आने वाले मैच में क्या होगा। तो ये है लालीगा के बाद, कल एक प्रीमियर लीग का भी मैच था, क्रिस्टल पैलेस और ब्राइटन का मैच था। आप जानते हो कि क्रिस्टल पैलेस से बहुत कंफर्टेबली आप पॉइंट्स लेके नहीं आ सकते, कि रॉय हटसन का जो क्लब है क्रिस्टल पैलेस बहुत फिजिकली बुली करने का टीम है, लो ब्लॉक खेलने का टीम, उनको ब्रेक करना उनके होम पे हर टीम का मतलब ये कंफर्टेबली नहीं कर पाते। एंड ब्राइटन तो इस सीजन उतना फॉर्म में भी नहीं है, तो कहने की उनका थोड़ा स्ट्रगल तो आने ही वाला था। एंड 45 मिनट्स में जॉर्डन आई हमारा गोल स्कोर कर देता है न्यू क्रिस्टल पैलेस से, एंड क्रिस्टल पैलेस मैच जीत ही जाता, लेकिन 82 मिनट्स में हमारे वेलबैक ने गोल स्कोर करके इक्वलाइज कर दिया। एंड कहने की जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स ड्रॉप ब्राइटन का, क्योंकि ये मैं पॉइंट ड्रॉप क्यों बोल रहा हूँ, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, अगर ये ब्राइटन मैच जीत जाता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 8th पे चला जाता एंड ब्राइटन 7th पे चला जाता, लेकिन अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड 7th पे ही है 18 मैच में 28 पॉइंट लेके, एंड ब्राइटन स्टिल इन 8th पोजीशन 18 मैच में 27 पॉइंट को लेके। एंड कल मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच भी वेस्ट हैम से, जीतना पड़ेगा, जीतेगा नहीं कल ही देखा जाएगा, लेकिन जीतना पड़ेगा तो कहने के टॉप 5 के रेस में एक्टिव रहेगा, नहीं तो अब जान ही पाए हो कि यूसीएल से बाहर हो चुका है, कैराबाओ कप से भी बाहर हो चुके हैं हम लोग, और प्रीमियर लीग से आउट ऑफ 5th प्लेस हम लोग फिनिश करना एफर्ट नहीं कर सकते, तो एरिक टेन हैग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा अगर हम यूसीएल में क्वालिफाई नहीं करते। तो दिस इज ऑल थिंग, एंड ये है 3 मैच का प्रीव्यू, और बार्सा का भी मैंने थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो घमासान बवासीर मच रहा है कि हमारा यूरोपा सुपर लीग के साथ यूएसएल का जो पंगा हो रहा है, पापा पेरेज जो मास्टरमाइंड खेल दिए, क्या मतलब लड़ाई हो रहा है बैक स्टोरी का, ये मैं सारा कुछ रिसर्च करके ऑलमोस्ट मेरा 90% रिसर्च हो गया, और कल सुबह मैं एक वीडियो लेके आऊँगा 10 से 12 मिनट के अंदर एक वीडियो लेके आऊँगा कि क्या क्या हो रहा है, कि सुपर लीग कैसे एक्टिव होगा, या फिर यूसीएल रहेगा कि नहीं, या फिर हमारे जो यूरोपियन जो चैंपियनशिप है, ये यूरोपियन जो कंपटीशन है कैसे फॉर्मेशन होगा एंड कैसे फॉर्म्ड होगा, उनका क्या रूल्स वगैरह आया है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को 10 से 12 मिनट का एक वीडियो मिल जाएगा आज रात को या फिर कल सुबह, तो वो भी देख लेना, बहुत सारा चीज क्लियर होगा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन है कि ये क्या है भाई, ये अलग क्या कंपटीशन है, ये कंपटीशन रहेगा तो यूसीएल रहेगा कि नहीं, तो मैं सारा कुछ वहां पे 10 से 12 मिनट के अंदर समझा दूंगा। तो ये है हमारा वीडियो, अगर ऐसा आपको फुटबॉल कंटेंट देखना है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में, एंड सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।